और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस अच्छे ही हो ना आप, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है बाहर। तो कहीं घूम के आओ, मेरे ब्लॉग्स देखो, अच्छी अच्छी जगह जहाँ पर मैं घूम रहा हूँ उनमें से बेस्ट जगह आपको कौन सी लगती है वहाँ घूम के आओ। आज तो मैं जा रहा हूँ कनॉट प्लेस, कोई नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कनॉट प्लेस या मजनू का टीला या हौज खास, ऐसी जगह पर मैं जाता हूँ, कुछ सोच के नहीं जाता हूँ, वहीं जाके कुछ नया सर्च करता हूँ, अच्छी जगह ढूंढता हूँ और उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं कनॉट प्लेस, नई जगह ढूंढेंगे, नए एक्सपीरियंसेस लेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ तो देखो ऐसा तूफान बारिश जैसा वेदर हो रहा है, प्रॉपर एकदम काले बादल आ रहे हैं। अब कनॉट प्लेस जाके देखते हैं क्या माहौल बनता है वहाँ का, क्योंकि दिल्ली के वेदर को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हर 2 किलोमीटर में यहाँ का वेदर बदल रहा होता है। यहाँ पर बढ़िया, क्या पता कनॉट प्लेस में ख़राब हो या कनॉट प्लेस में इससे भी बढ़िया हो। तो चलते हैं वहाँ जाके देखते हैं। सो फाइनली देखो, यही इसी चीज़ की बात कर रहा था, कनॉट प्लेस पहुँचा हूँ मैं और यहाँ हो रही है बारिश। वाह वाह, फिर से आज आया हूँ और आज बारिश हो रही है। आज हमारे वहाँ एकदम काले बादल थे, दिखाया मैंने जैसे आप लोगों को, यही उम्मीद थी कि एक बार बारिश हो जाए बस। वाह वाह, मज़ा आ गया। और आज मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मिसोजिनिस्ट मेरे बाद वो इंसान है जिसने मेट्रो बनाई होगी, क्योंकि उसने भी सोचा यार औरतें तो घर में ही ठीक है, इसलिए एक डब्बा दे देते हैं, औरतों कम ही औरतें निकलती हैं बाहर। देखा कितना मिसोजिनिस्ट है। परसों की तरह ही कुछ सेम दृश्य देखने को मिले, मज़ेदार। अभी तो कम बारिश है, परसों तो बहुत तेज थी। कनॉट प्लेस और बारिश और यहाँ का खाना, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। सो बिरयानी 2 किलो का खाना बहुत ही ज़्यादा गजब का था। बस यहाँ पर ये है, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ज़्यादा टाइम लगता है, स्टोर पे भी है कम से कम आधा घंटा वेट करनी पड़ती है, पर कल की तरह इन्होंने भी धोखा दे दिया। 50 रुपये के सिक्के दे दिए इन्होंने भी, हर जगह जाता हूँ सिक्के दे देते हैं, शायद मेरी शक्ल ही भिखारी जैसी है इस वजह से। बारिश रुक चुकी है पर हवा चल रही है बहुत ज़बरदस्त, पेट भर चुका है और अब कनॉट प्लेस में घूमने में आ रहा है फुल मज़ा। बिरयानी तो थोड़ी थी पर पेट भर गया, पता नहीं कैसे, और ऐसा लग रहा ओवर ईटिंग कर ली, पर बिरयानी तो थोड़ी थी क्योंकि स्वाद थी ना, स्वाद चीज़ से पेट भर जाता है, मज़ा आ गया खा के। और प्राइसिंग भी मतलब जो ऑनलाइन पे है सेम प्राइस स्टोर पे था, ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। घर तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर भी मौसम बढ़िया ही है, अभी धूप नहीं निकली आज बिल्कुल भी, तो गर्मी तो है ही नहीं। अब घर जाके रेस्ट करते हैं, थक चुका हूँ मैं बहुत ज़्यादा, सुबह जिम गया था जल्दी उठ के, और थोड़ा रेस्ट करने के बाद मिलता हूँ। सो गाइस मेरा रेस्ट तो घर आके हो गया, और एज अ देश का युवा मेरा फर्ज बनता है कि मैं शाम के वक्त बाहर घूम के आऊँ, बाहर टहल के आऊँ। तो चलते हैं बाहर, थोड़ा सा टहल के आते हैं। आप लोगों को फैक्ट बताता हूँ आज, एक जो चिकन है वो डायनासोर की प्रजाति का है, मतलब डायनासोर की एक प्रजाति होती थी, उसका ही आने वाला वंशज है चिकन। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि ये नहीं कि तुम एक टाइम बहुत ताकतवर थे तो तुम हमेशा ही ताकतवर रहोगे, एक वक्त आएगा जब तुमसे पहले लोग डरते थे और एक वक्त आएगा जब तुम्हें लोग कुकर में सीटें लगा के खा जाएंगे, तो वक्त ऐसे बदलता है। सो गाइस अब कर देते हैं इस व्लॉग का यही एंड, बहुत ही मज़ेदार दिन था आज का भी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अगर आप दिल्ली में रहते हो या कहीं पर भी रहते हो, मौसम बढ़िया और आप घर पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप देश के युवा हो, तो कोई फ़ायदा नहीं भाई आप लोगों की ज़िंदगी का। निकलो बाहर, इंजॉय करो, अपनी लाइफ जियो और जीने दो।
तो चलो अब कर देते हैं इस लोग के ये एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।